अच्छा सूरज जा अच्छा बेटा सुना नहीं अच्छा। अरे आज क्या बताऊं मैं, पानी अपना सच में सर से ऊपर गुजर चुका है। नहीं थोड़ा क्लीन कर दे तो सच में कुछ होता है ना। अच्छा अरे यार क्या बताऊं मीनर, पानी ना अब सर से ऊपर गुजर चुका है। नहीं भैया जल्दी से गोलगप्पे लगाओ ना। नहीं यार बहुत भूख लगी हुई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे इस आदमी की। चल ठीक है मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। भैया खड़े हो आप, जल्दी से लगाओ ना। हेलो भाभी जी, अरे अरे हम भाभी जी मनमोहन तिवारी। मैं आपको देखकर ही चीख रही हूँ तिवारी जी। मुझे देखकर क्यों? हम क्या कोई भयानक वाले भूत हैं जो हमें देखकर चीखी? नहीं नहीं आप भयानक वाले भूत नहीं, आप अचानक वाले भूत हैं। आप अचानक से लोगों की सुख शांति पर हमला कर देते हैं। ये किस टाइप की बातें कर रही हैं आप? शुद्ध हिंदी में बता रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा है आपको? इतने दिन से लगातार आपको हिंट दे रही हूँ, अवॉइड कर रही हूँ, बट आप एक समझने का नाम ही नहीं ले रहे। इसके पहले भी आपने मुझ पर हमला किया है, तब भी मैं गोलगप्पे की दुकान पर ही थी। क्या बात कर रही हैं, हमने हमने आप पे हमला किया? जी हाँ आप मुझ पर हमला कर रहे हैं, मेरे खाने के सामान पर हमला कर रहे हैं। मैं आपको बात आप हाँ। मेरी जी हाँ आप मुझ पर हमला कर रहे हैं, मेरे खाने के सामान पर हमला कर रहे हैं। मैं आपको बार बार अवॉइड कर रही हूँ, आप समझ नहीं रहे हैं बस। आप हमें अवॉइड कर रही हैं? This is happening for the second time तिवारी जी। जब आप मेरा पीछा करते करते गोलगप्पे की दुकान तक आ गए। देखिए भाभी जी हमारी बात सुनिए। एक सेकंड मेरे सर पे खून सा बह रहा है। ये चाकू है, काटो तो खून निकल आता है। तिवारी जी आइंदा से आप मेरे घर के या मेरे खाने के इर्द गिर्द भी नजर आए ना, तो मैं आपकी टांग में नीचे से 10-10 इंच छोटी तुम गोलगप्पे दिखा, तुम गोलगप्पे लगाओ। तू क्या देख रहा है? जल्दी से गोलगप्पे लगा, भूख लगी है।